मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात करती रही है और इसके लिए उन्होंने उन्हें फसलों की उचित कीमत दिलाने के अलावा खेती की लागत घटाने पर जोर देने की बात दोहराई जाती रही है। बीते साल बजट पेश करते वक्त निर्मला सीतारमण जी ने बैक टू बेसिक्स का नारा दिया था और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही। अब एक साल बीत चुका है, इस दौरान न केवल खेती के जीरो बजट होने यानी लागत के शून्य होने पर सवाल उठे हैं बल्कि देश की खाद्यान्न जरूरतों को लेकर चिंता भी जताई गई है। इसके अलावा सवाल यह भी उठा है कि आखिर बीते एक साल में सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। आज हम बात करेंगे जैविक खेती यानी बिना केमिकल्स खेती करने पर आने वाली चुनौतियों और इस साल के बजट से किसानों की उम्मीदों पर। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में किसान कुलदीप, जो कि जौंती गांव दिल्ली से हैं और जौंती गांव देश में खेती किसानी के मामले में ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसी गांव से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और उसी गांव के किसान कुलदीप बीते कई सालों से जैविक खेती कर रहे हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं विनीत कुमार, जो कि पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, ऑर्गेनिक फूड के और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले कुलदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से आपने जैविक खेती करने की सोची, क्योंकि आप उस गांव से हैं जहाँ हरित क्रांति के बीज बोए गए थे और उस समय हरित क्रांति जब आई तो ये भी था कि आबादी जिस तरह से बढ़ रही है उसको किस तरह से खाना उपलब्ध कराना है, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का भी सहारा लिया गया। उसके बाद वो क्या कारण रहे कि आप जैविक खेती की तरफ आए? वो मैडम, मैं पहले तो आपके चैनल का स्वागत करता हूँ कि ऐसे किसानों की आपने जो है बुलेटिन पे प्रचार प्रसार के लिए जो बढ़ावा दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हरित क्रांति की शुरुआत जौंती गांव से हुई, उसके बाद आज जो हमने निर्णय लिया कि क्यों नहीं प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाया जाए। हम सब बोल रहे हैं कि हम जहर खा रहे हैं जहर खा रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ बढ़ कोई नहीं रहा। तो हमने ये माना कि पहले हम धरती माँ को बचाएं, जब धरती माँ को हम बचाएंगे तो वो जो माँ खाएगी वो हमें मिलेगा और जो हम धरती माँ हमें देगी शुद्ध देगी तो फिर हम बच पाएंगे जी। हर आदमी आज जहर खा रहा है तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि भाई हम ईमानदारी से और इसकी तरफ बढ़ेंगे। हमने 7 साल हो गए जैविक खेती, वैसे तो 20 साल से हम प्रयास में थे लेकिन अब प्रॉपर 7 साल से जैविक खेती कर। मैं आपसे और ज़्यादा इस पर बातचीत करूंगी। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं जैविक खेती से जुड़े सरकारी दावों की हकीकत और हमारे देश के जो किसान हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वो किन किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गांव, गरीब और किसान केंद्र बिंदु है हमारे हर एक कार्यक्रम में। वी शैल गो बैक टू बेसिक्स ऑन वन काउंट, जीरो बजट फार्मिंग। Steps such as this can help in doubling our farmers' income in time for our 75th year of independence. Go back to basics के साथ वित्त मंत्री ने पिछले बजट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। इसके बाद अलग अलग मौकों पर भी सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जैविक खेती भारत के किसानों के लिए नई नहीं है, यहाँ कई किसान पुश्तों से जैविक खेती करते आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीते एक साल में सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए जमीन पर कोई ठोस कदम उठाए हैं। खेती में ना तो हमें कोई सरकार की तरफ से बेनिफिट हो रहा है मैम, तो जो इसकी प्रोडक्शन हो रही है उसके लिए हमें ना कोई सरकार सहायता कर रही है, अपने बेस पे प्रोडक्शन करके अपने बेस पे ये सामान बेचना पड़ रहा है मैम। कोई इसकी पर्टिकुलर रेट नहीं फिक्स है मैम, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं फिक्स जहाँ पे हम ये चीज जाके बेच सके। इसमें क्या है कि जैसे अपन ले जाते हैं ना, तो ये इनको ये कैसे बताएं, पहली बात तो ये आती है समस्या भाई ऑर्गेनिक है या नहीं है। फिर दूसरी बात, जैसे मान लो वहाँ पर वो लोग बागों को पता नहीं रहता, समझते हर आदमी समझते में नहीं है, तो अपनी सब्जी को और उस सब्जी को एक ही भाव में लेते हैं वो। तो जो शुरुआत में जो किसान ने 2 एकड़ में खरीदी, 3 एकड़ में जो जैविक खरीदी, वो किसान के जो उपज है वो लगातार कम होती है, जो दाने में जो चमक है वो भी नहीं आ पाती थी। इसके लिए किसान ने वो कर तो रहे पर उसमें बहुत कम मात्रा में
कर दिया, जहाँ 2 हेक्टेयर करता है वहाँ घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है। ऊपर इस बात चल रही है किसान जहाँ जमीन हकीकत पर जो आना था वो अभी तक नहीं, केंद्र सरकार जैविक खेती में उत्पादन भी कम हुआ और उत्पादन होने के बाद फिर क्या हुआ, उसका कोई मार्केट ही नहीं है, हम बेचे फसल तो कहाँ पर बेचे। बाजार की कमी इन किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। इससे निपटने के लिए कुछ किसान फसलों से अलग अलग उत्पाद बनाकर उन्हें सीधे ग्राहकों को बेच रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं मोहाली के अवतार सिंह, जो मानते हैं कि जैविक खेती की लागत भले ही कम हो लेकिन इसके उत्पाद फिलहाल आम आदमी की पहुंच से बाहर ही हैं। मैं यदि वैल्यू एडिशन करके बेचना ताकि मैनू आम नालों डुडा या डबल मैनु रेट मिले। जदों असी सीधा मंडी च जावांगे, वड्डियां मंडियां जावांगे, उत्थे रेट गौरमेंट तय करेगी, या मेरे होर अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ने इन्हां दी मार्केट ही उन्हां कोल है जिहड़े अच्छे पैसे वाले ने। हुण जे एक रिक्शा चलाउण वाला या दिहाड़ी करने वाला मेरी ऑर्गेनिक कणक थोड़ी खरीदेगा ना। जैविक खेती करने वाले किसान बाजार, फ्री सर्टिफिकेशन और जैविक उत्पादों के दाम तय करने जैसी कई जरूरतें बताते हैं। डेयरी के लिए 6,000 रुपये साल की फीस देनी पड़ती है और एग्रीकल्चर फ्रूट और वेजिटेबल के लिए हमें करीब 7,000 रुपये फीस देनी पड़ती है। इस फीस को या तो पूरा भारत सरकार दे या वन टाइम किसान से नॉमिनल चार्ज ले ले। अलग से मंडी कराई जाए, मंडी की व्यवस्था कराई जाए तो उनको सही रेट मिले, क्योंकि जैविक में थोड़ा प्रोजेक्ट कम निकलता है तो इस वजह से पहले तो माल कम निकलता है और फिर भाव नहीं मिलते तो पहले जैविक की तरफ लोग आकर्षित नहीं होते। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो हमारे तो भाव ज़्यादा शुरू से जैविक करते हैं हम, बाकी जो कई आदमी जैविक के बारे में समझते भी कम है तो उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। जैविक खेती को लेकर किसानों की समस्याएं अलग हैं और सरकारी दावे अलग हैं। अब देखना होगा कि इस बार सरकार बजट में इन किसानों के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आपने देखा कि देश भर के किसान जैविक खेती करना तो चाहते हैं लेकिन किस तरह की जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, वो उनका सामना कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है विनीत कुमार, पॉलिसी एक्सपर्ट ऑर्गेनिक फूड CSC से। विनीत जी, ये बताइए कि जब निर्मला सीतारमण जी ने अपनी एक मंशा जाहिर की, जो कि जाहिर तौर पर सरकार की एक मंशा सामने आई थी कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, आपको लगता है कि इन एक साल में हम कहाँ पहुँचे हैं, ये सफ़र कहाँ आके रुका हुआ है? आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं लेकिन लोग के दिल में आपने देखा कितने एप्रीहेंशंस हैं, कितनी उनके लिए चुनौतियाँ हैं, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा ये सफ़र जी? सबसे पहले तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि भारत सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। आज जो भारत की स्थिति है, अगर हम पूरी दुनिया में देखें जितने जैविक या प्राकृतिक किसान हैं उसके 29 से 30% किसान भारत में हैं। इवन दो कि जो ऑर्गेनिक के अंडर एरिया है हमारा देश में वो पूरे दुनिया का सिर्फ 2% के करीब ही है। और जो संसद में जो डाटा रखा गया है अभी लेटेस्ट नवंबर 2019 में, उसके हिसाब से लगभग 27 से 28 लाख हेक्टेयर जमीन में आज जैविक खेती हो रही है हमारे देश में। मुख्यतः उसमें परंपरागत कृषि विकास योजना एक है और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन से जो होता है NPOP वो एक योजना है और बाकी जो राज्य सरकारें छोटी छोटी स्कीम्स करके जो कर रही है वो वाले जो है किसान और खेती है। लेकिन जैसे कि आपने देखा तो ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन चूँकि अभी केमिकल वाली खेती से और जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में बदलने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए, क्योंकि किसानों को वो अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चाहे वो लेटेस्ट रिसर्च है, चाहे जो प्राचीन ज्ञान के साथ साथ लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं वो उसमें इंटीग्रेट करें, और चाहे उनका सर्टिफिकेशन या मार्केटिंग वाला कि उनका अगर उन्होंने ऑर्गेनिक किया है और उसमें इतनी मेहनत लगाई है तो उसका सही रेट उनको मिल पाए। तो जो इतनी सारी समस्याएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ये एक कारण है कि हमारा जो ऑर्गेनिक खेती में इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर में देखें तो लगभग 80,000 करोड़ का हम सब्सिडी देते हैं। आपने ये अहम बात सामने रखी कि परंपरागत कृषि विकास योजना जी, जो एक बड़ी योजना आई थी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, उसके मद में 325 करोड़ जी जी, और जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसमें 80,000 करोड़ जी, इतना ज्यादा डिफरेंस, इसको आप किस तरह से आंकते हैं, क्या करने की जरूरत है? सीधे सीधे बजट को देखकर ही लग रहा है कि सरकार चाहती है लेकिन प्रायोरिटी है, लेकिन फिर भी वो प्रायोरिटी नहीं है।
मुझे लगता है कि शायद सरकार हिचक रही है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो कृषि वैज्ञानिक हैं स्पेशली जो प्राकृतिक खेती के ऊपर, उनके विचार कुछ अलग हैं जीरो बजट नेशनल फार्मिंग के ऊपर। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को शायद अवगत भी कराया है, और लेकिन जो जमीन पे स्थिति है किसानों की वो कुछ अलग ही स्थिति बयान कर रही है। अब अभी देखने वाली बात यह है कि जैसे आंध्र प्रदेश का आज हमारे सामने उदाहरण है, या बाकी जगह भी जो सफल जैविक या प्राकृतिक किसान है, हमारे कृषि वैज्ञानिक अभी तक उनको अच्छे से जाके डॉक्यूमेंट करके वैलिडेट क्यों नहीं कर पाए? कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी से स्टार्ट हुआ है जैविक खेती या प्राकृतिक खेती, इतने सालों से किसान कर रहे हैं और समय के साथ साथ उसमें काफी सुधार भी ला रहे हैं। तो अगर जितना ध्यान केमिकल खेती पे जितना पैसा खर्च हो रहा है उसमें भी कमी हो रहा है, उससे उतना ही अगर इस पे हो जाए धीरे धीरे फेज मैनर में, तो निश्चित रूप से एक ओवरऑल जो इकोसिस्टम देश में तैयार हो सकता है। और ये एक ऐसा सेक्टर है प्राकृतिक खेती जैविक खेती जो पूरे देश की किस्मत बदल सकता है, चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो किसान के परिवार की स्थिति हो, चाहे जो पर्यावरण में जो संकट है, जो स्वास्थ्य का संकट है। आज सबको पता है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जहां हुई, हॉटस्पॉट जहां से सर है हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर, इन एरिया की आज क्या हालत है, मिट्टी कितनी खराब होती जा रही है, सोयल फर्टिलिटी डाउन हो रही है, इंसान की स्वास्थ्य का तो सबको पता ही है कितना खराब है। साथ साथ जो एक बात लोग इतना नोटिस नहीं कर पा रहे, पशुओं का स्वास्थ्य। आज गाँव में जाके देखिए आप, गाय भैंस इन सबके स्वास्थ्य में क्या स्थिति बनी हुई है केमिकल्स की वजह से। तो ये एक कहते हैं कि एक तीर से दो शिकार, ये कह रहा हूं कि एक तीर से कम 100 शिकार ये हो सकते हैं, इतना ज्यादा इसके। चाहे आज जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, भारत की 18-20% जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है हमारे देश का, वो खेती के सेक्टर से आता है। तो चाहे वो जलवायु परिवर्तन की बात है, चाहे वो किसान की आमदनी बढ़ाने की बात है, चाहे वो पर्यावरण को बचाने की बात है, चाहे मिट्टी को बचाने की बात है, स्वास्थ्य को बचाने की बात है, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नए रोजगार की बात है, परेशानी है, सबका आंसर आप कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं उसमें एक अहम रोल अदा कर सकता है, बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। हमारे साथ स्टूडियो में अपर्णा राजगोपाल जी भी जुड़ गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपर्णा राजगोपाल जी बीजोम फार्म चलाती हैं, जो कि सस्टेनेबल फार्म का एक बहुत बढ़िया, अर्बन फार्मिंग में एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। और हम अपर्णा जी से भी पूछेंगे कि हम अभी स्टूडियो में बात कर रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने सरकार की तरफ से भी ये मंशा, इच्छा जाहिर की थी पिछले बजट में, गोइंग बैक टू बेसिक्स, प्राकृतिक खेती की ओर जाए। तो अब हम एक साल हो गया है और देश में हम देख रहे हैं स्कैटर्ड तरीके से डिफरेंट पॉकेट्स में लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन वो क्या चुनौतियां हैं, वो क्या परेशानियां हैं जो इसको एक ऑल ओवर, एक जैसे विनीत जी ने बोला, एक एग्रो इकोलॉजी जो कि बननी चाहिए थी वो नहीं बन पा रही है, जो तवज्जो देनी चाहिए थी, जिस तरह से संजीदगी दिखानी चाहिए थी वो चीज़ सामने नहीं आई है। आप ऐसी क्या चीज़ें करती हैं अपने फॉर्म में जो कि एक उदाहरण भी है और हम बाकी जगहों में क्यों नहीं देख पाते उस तरह की चीज़ें? इन्होंने बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए अभी जी। जो हम 6 साल से कर रहे हैं काम, उसमें मैंने ये देखा कि मेन प्रॉब्लम यह है कि विलेज में डेवलपमेंट बहुत कम है। आप देखेंगे तो जो युवा हैं विलेजेस में वो खेती नहीं करना चाहते। एटलीस्ट आप खेत में, विलेज में जाएंगे तो 40 के उम्र के ज़्यादा लोग ही अभी खेती में मेनली जुड़े हुए हैं जी। जितने युवा लोग हैं वो सिटी में आना चाहते हैं, और इसका वजह ये है कि विलेज में जो मेन बेसिक डेवलपमेंट होना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब चीज़ों की अवेलेबिलिटी, जैसे कि उनके लिए जो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए उनको जो सामान चाहिए वो चीज़, सपोर्ट, ये सब उनको कुछ भी नहीं है विलेजेस में। और मार्केटिंग भी नहीं है, वहाँ प्रोड्यूस भी करेंगे तो उनका कोई फार्मर्स मार्केट्स वहाँ ऑर्गेनाइज करना, सिटी में ले आने का या एक कोऑपरेटिव बनाना, कुछ इंतज़ाम करना ताकि वो प्रोड्यूस, फिर पेरिशेबल है, मतलब प्रोड्यूस जल्दी सड़ जाता है, तक जबकि जैसे कि वेजिटेबल्स, तो उनको कोई कोल्ड स्टोर नहीं है कुछ रखने के लिए, उनको स्टैगर करने के लिए प्रोड्यूस, या फिर हाँ, जितनी भी प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करते हैं, बिल्कुल, तो उगा के क्या फायदा? उगाने से भी हमारा सारा सब्सिडी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस वीट और राइस में जा रहा है, उनके जैसे कैश क्रॉप्स में, मिलेट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, हर चीज के लिए हमें ये ऐसे सपोर्ट लानी है, कायम करनी पड़ेगी हाँ, और इसीलिए जो प्रायोरिटीज हैं उनको सेट वो सेट करना पड़ेगा। और युवा लोगों के लिए हमें उनको जागृत करना है कि वो इज्जत वापस लाना है जो खेती में पहले था। अब ये बताइए, आपने जैसे बोला ऑर्गेनिक खेती के लिए जो सामान है वो उपलब्ध नहीं होता, अब सरकार तो जीरो बजट खेती को बढ़ावा दे रही है, उनके हिसाब से
वो जीरो बजट है, उसमें तो आपके पास गाय होनी चाहिए और गाय के जरिए ही उसके गोबर, उसके उसके यूरिन से और उसके उनके कॉन्कॉक्शंस और इन सब चीज़ों से, प्राकृतिक तरीकों से आप खेती कर सकते हैं। सरकार को तो ये लगता शायद ये लगता नहीं है कि उसमें किसी भी तरह की लागत इनपुट कॉस्ट है। बहुत इनपुट कॉस्ट होता है ऑर्गेनिक खेती में भी, लेकिन वो इनपुट को हमें एक सिस्टम बनाना होता है उसके लिए, जैसे कि देसी सीड्स के बैंक्स होने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, बायोमास जो हम बिछाते हैं हमारे खेत में सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर इंस्टेंस जितने जब राइस का खेती खत्म होता है, जब राइस का फसल कटता है तो आप देखते हो यहाँ पे क्रॉप बर्निंग बहुत हो रहा है, क्रॉप बर्निंग की वजह से प्रदूषण, स्टबल बर्निंग, तो वो स्टबल को हमारे इन एट बीजोम हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हम उसको फॉडर में इस्तेमाल करते हैं, हम उसको बिछा लेते हैं, हम उसका खाद बना लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट कर लेते हैं, कई तरीके से हमारा कोई भी बचता नहीं है। तो ये आप उसका एग्रो इकोलॉजी की जो बात कर रहे थे, आप सिस्टम तरीके से पूरा करते हैं। कुलदीप जी ये बताइए, जैसे इन्होंने बोला बीज की समस्या आती है, आप बताइए कि आप जैविक खेती करते हैं किस तरह की चुनौतियों का आप सामना करते हैं, और जब बीज की बात होती है देसी बीज तो उसको आप कहाँ से सोर्स करते हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती होती है? बीज की तो बहुत बड़ी चुनौती है जी। कोई भी संस्थान, जैसे हमारा पूसा है हरियाणा में, पानी वो क्या नाम है, हिसार है, करनाल है, कहीं भी देसी बीज उत्पाद नहीं होता, ना हमें मिलने की सुविधा है वहाँ, ना मिलता। ये जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वही देसी बीज तैयार करती हैं, तो हमें तलाशना होता है कि भाई किस कंपनी के पास जो है वो देसी बीज मिल सकता है। देसी बीज की तो बहुत बड़ी समस्या है। विनीत जी, इस पर आप बताएं कि इसमें तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो देश के किसान है, अगर वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहती है तो वो देश के किसानों को सही देसी बीज उपलब्ध कराए। जी बिल्कुल, सही देसी बीज बहुत ही जरूरी है प्राकृतिक और जैविक खेती में। और मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ बीज ही नहीं बल्कि इसी इसके साथ साथ जो ज्ञान है खेती करने का, क्योंकि अब वो किसान हम भूल चुके हैं प्राकृतिक खेती या जैविक खेती जो पहले हुआ करती थी, तो अब रासायनिक खेती से किसानों का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। साथ साथ लेकिन किसान को क्या चाहिए, किसान को बेसिकली सबसे पहले चाहिए कि उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए सही तरीके से, और ट्रेनिंग भी ऐसे लोगों से दी जाए जो हवाई या कागजी लोग नहीं, सरकारी लोग, बल्कि जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो वास्तव में ऐसे जैविक या प्राकृतिक किसान हैं जो खेतों में कई सालों से कर रहे हैं उसको। जैसे आंध्र सरकार में एक अच्छी बात देखने में आ रही है, जो वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, आंध्र सरकार ने टारगेट रखा है कि 2027 तक हम पूरे के पूरे 6 मिलियन जो 60 लाख किसान है उनको प्राकृतिक किसान में बदल देंगे। उन्होंने जो पहले से ही जो प्राकृतिक किसान है उनको एज ए ट्रेनर वो यूज कर रहे हैं, तो किसान के पास जाके अपने खेत में ले जाके वो खेती सिखा रहा है। तो पहली बात, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जो भारत सरकार की जो मेन योजना है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, पीकेवाई परंपरागत कृषि विकास योजना, वो कागजों पे ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि जो जो जिला स्तर पे जो कृषि अधिकारी हैं या जो जो लोग किसान की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब उनको खुद को ही ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग की एबीसीडी नहीं आती है तो वो किसान को कैसे समझाएंगे। वो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि भाई हमारी तो केमिकल एग्रीकल्चर की पढ़ाई है तो हम किसान को कैसे समझा दें ऑर्गेनिक, लेकिन चूंकि ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है तो हम बस ट्रेनिंग कर रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए। तो ऐसे सिर्फ कागजी कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। और ऐसे में क्या आपने जो बात रखी है इसको मैं आगे बढ़ाऊं, अगर जो साइंटिस्ट हैं, जो खासतौर से जो कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, उनकी भी एक तरह से ये राय हम देखते हैं। उन्होंने पीछे भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कुछ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग काम नहीं कर पाएगी, जितनी बड़ी जिस तरह से जिस दर से आबादी बढ़ रही है, हमें जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं और जो उन्नत पद्धति के जो बीज हैं उन्हीं की तरफ जाना पड़ेगा, और खाली अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें तो उससे काम नहीं चलेगा। जी यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहस पूरी दुनिया में चल रही है, अभी पूरी दुनिया में बहस हो रही है कि किस तरह की खेती होनी चाहिए। क्या जो इंडस्ट्रियलाइज एग्रीकल्चर सिस्टम है वो वाला होना चाहिए या जो एग्रो इकोलॉजी है वो होनी चाहिए, और FAO, UN जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इस पे इतना ज़्यादा डिस्कशन और चर्चाएं हो रही हैं, अध्ययन हो रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ केमिकल वाली खेती के भरोसे बैठे रहे तो तब आप
को इतनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। आज भी जो जो केमिकल इंटेंसिव इनपुट इंटेंसिव खेती है वो सस्टेनेबल है ही नहीं। अभी आप पूछिए हरियाणा पंजाब किसान, वहाँ पे किसानों की क्या स्थिति आज, कितना कितना वो फर्टिलाइजर यूरिया कितना क्वांटिटी उन्होंने बढ़ा दिया तब भी उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। उनकी खेती की जो सॉइल फर्टिलिटी ऑर्गेनिक कार्बन का जो कंटेंट है वो लगातार घटता जा रहा है। तो इस रास्ते पर चल के तो हम निश्चित रूप से अपना लक्ष्य अचीव नहीं कर सकते। तो आपने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया, वो मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से आंध्र प्रदेश जो है उसने साल 2015 में जैविक खेती के लिए रायतु अधिकार संस्था नाम की एक संस्था बनाई। शुरुआती दो साल के अंदर राज्य के 1,38,000 किसान और 1,50,000 एकड़ जमीन पर जैविक खेती शुरू हुई। आज वहां पर स्थिति यह है कि जो किसान है वो बेहद खुश है और बोला गया कि पैडी, ग्राउंडनट, मूंगफली, इन सभी के जो उनका उत्पादन है वो अच्छा हो रहा है और उनकी आमदनी भी अच्छी हो रही है। और इसमें खास तौर से जो लैंडलेस लेबर है और जो लैंडलेस जो फार्मर्स हैं, महिलाएं हैं, उनका भी पूरा पूरा अधिकार, उसका अधिकार का ख्याल रखा गया है। अब कुलदीप जी ये बताइए कि ऐसे में एक हम व्यवस्था साउथ में देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश में बहुत सफल उदाहरण है, क्या कारण है कि उत्तर भारत में उतना कैच ऑन नहीं कर पा रहा है जैविक खेती? आपका किस तरह का अनुभव है जब आपके आसपास के गाँव वाले आपको देखते हैं, शुरुआत में आपने जैविक खेती की तो उनका किस तरह का उनका क्या रवैया था? तो दिल्ली NCR में पहले तो मैं कहूँगा मैंने के आदमी जो बहन जी ने बोला कि मेहनत नहीं करना चाह रहा, तो सोचता है कि जो भी आसान से आसान तरीका हो वो अपना है। जैविक खेती में मेहनत है, इसके साथ साथ पशु भी रखने होते हैं, बगैर पशु के जैविक खेती संभव नहीं होती। दूसरा ये है कि इसमें हर किसी को जमीन छोटे टुकड़ों में होगी। मैं आपकी जमीन को मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ तो उसको भय है, खतरा है कि कभी अगले साल मैं इसमें जैविक खेती करूँ, खाद डालूँ, जैविक जो भी उत्पाद इसमें मैं तैयार करना चाहूँ, अगले साल हो सकता है ये किसान मेरे को जमीन ना दे, किसी और को दे। तो इसलिए वो गोबर की खाद उसमें धन जीवामृत जीवामृत का प्रयोग उसमें नहीं करना चाह रहा, तो एक ये भी कारण है। अपर्णा जी आप बताइए किस तरह से एग्रो इकोलॉजी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली अगर हम कुछ पॉकेट्स में करते रहेंगे, जैसे आपका जो फार्म है उसमें जिस तरह का उदाहरण आप पेश करती हैं, किस तरह से एक ये अच्छा उदाहरण है जो लोग उसको एमुलेट कर सकते हैं? संक्षिप्त, हमारी जो बीजोम है उसमें हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, रीजनरेटिव फार्मिंग, मतलब हम मिट्टी सुधार, मिट्टी को हम मिट्टी के ऊपर ही काम करते हैं, क्योंकि हमारा सोच ये है कि अगर मिट्टी अच्छा हो गया तो फसल अच्छा ही होगा। दूसरा, वी यूज़ देसी बीज, हमारे देसी बीज कई पॉकेट से कलेक्ट करते हैं और पूरा इंडिया से। हमारे कई जानवर हैं जिसका सारा गोबर और जो उससे गोमूत्र के प्रोडक्ट से हम अपना ही कीटनाशक और क्या बोलते हैं खाद बना के डालते हैं, तो हमारे इनपुट कॉस्ट फार्म के अंदर बहुत कम है। हम अपना ही बायोगैस लगाए हैं, हम अपना ही सोलर लगाए हैं, जिसकी वजह से बिजली भी हम बाहर से नहीं लेते हैं जी। तो क्लासिकली हम ऑफ द ग्रिड फार्म इसकी जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चरल जो टेक्निक्स हैं, आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग को नया खेती बुलाया जा रहा है, एक्चुअली वो पुराना खेती है। नई तो खेती केमिकल फार्मिंग है, तो हम मल्टी क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, कंपेनियन प्लांटिंग, क्रॉप रोटेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग, मल्चिंग, बहुत पिलर्स हैं, बहुत लेवल पर काम करना होगा। और जैसे कि कुलदीप जी ने भी कहा कि बहुत मेहनत का काम है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक पूरी व्यवस्था कायम करनी होगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हरित क्रांति के बाद अब एक और क्रांति लाने की जरूरत है, जहां हम क्वालिटी क्वांटिटी के साथ साथ जितना हम उगा रहे हैं उसकी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी उतना ही ध्यान दें, ताकि हमारी मिट्टी सेहतमंद हो तो हमारी भी सेहत उससे जुड़ी हुई है और हम भी सब पोषित हो सके। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया।